तो कॉन्सेप्ट बेस ये चीज है कि अखंड भारत का मतलब ये नहीं हुआ, जो लोगों में अपने दिलों में, जो इन्होंने शकील साहब ने बोला दिल से तस्लीम नहीं किया, उन्होंने कॉन्सेप्ट ही इंडिया और इंडियन फिलोसफी के बारे में बहुत गलत बनाया है उसका, चाहे वो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट हो। अभी शकील जी ने एक चीज बोला कि चाणक्य के बारे में बहुत निगेटिव बोला जाता है, कितना बड़ा ये मिथ और कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर मैं ये मान लूं कि पाकिस्तान इस्लामिक बेस्ड कंट्री है, हाँ, तो चाणक्य जब था, जब चाणक्य एक्टिव था, तो उस वक्त तो मुसलमान नाम की तो कोई चीज भी नहीं थी, उसके तो सारे क्लासेस मुसलमान से। चाणक्य की सारी किताबों में इस्लाम और मुसलमान का कहीं जिक्र भी नहीं है। चाणक्य ने अगर किसी को बोला कि इसके ऊपर अटैक करो, तो इट मुझे पता है वो कोई और रहा होगा, लेकिन इट वॉज नॉट द इस्लाम और मुस्लिम्स। चाणक्य नेवर प्रोपोगेटेड, नेवर गेव ए कॉन्सेप्ट दैट आफ्टर 1000 ईयर, आफ्टर दैट मच टाइम पीरियड, मुस्लिम्स विल कम एंड यू हैव टू फाइट दैट दैट दिस दैट। लेकिन आप जबरदस्ती चाणक्य के उस कॉन्सेप्ट को अपने लिए खतरा जोड़ के देखते हो, दिस इज वन थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, चाणक्य का कंक्लूजन ये है कि चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, अगर वो अटैक करता है, चाणक्य ने बहुत सारे ऐसे हिंदू राजा भी थे जो गलत थे, उसको गलत लगता था, उनको भी उसने वैनिश किया, खत्म किया, उसके साथ युद्ध किया, तो उस वक्त की सिचुएशन क्या थी? अखंड भारत का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हम मिलिट्रली किसी को कॉन्कर कर ले। भाई आज अगर हमें मिलिट्रली कॉन्कर करना है, तो इंडिया के अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, मिलिट्रली कॉन्कर करने में उनको कुछ मतलब एक रात का भी, उससे ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360 विद मनु। हमारा आज का जो शो का सब्जेक्ट है वो आप सबको पता ही है कि क्या दोनों पड़ोसी मुल्कों में शिक्षा के माध्यम से कट्टरता को बढ़ावा मिल रहा है? डू एजुकेशन सिस्टम इनहेंस रेडिकलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान? प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं अपने दोनों मेहमान से आप लोगों का तारुफ करवा देती हूँ। हमारे हमसाया हम ख्याल पाकिस्तान से हमारे आज के मेहमान हैं शकील चौधरी साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और राइटर हैं। शकील साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं भारत से एके मिश्रा जी, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट, टीवी पैनलिस्ट और एनालिस्ट हैं। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले थैंक यू। करते हैं मिश्रा जी, आपसे। जी, आपका स्वागत है मिश्रा जी। आपसे सबसे पहला मेरा सवाल है कि भारत की किताबों में क्या पढ़ाया जाता है? क्या कभी हमारी किताबों में ये पढ़ाया गया है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है और मुसलमान हमारे दुश्मन? मैम देखिए, चूंकि हम भी प्राइमरी से लेकर के और हायर एजुकेशन तक गए हैं, तो भारत की किताबों में अपनी हिस्ट्री को लेकर के आप 1000 साल, 10,000 साल पहले से लेकर के चलो, और जब भारत और पाकिस्तान एक थे, आजादी की लड़ाई और उसके बाद जो डिवीजन हुआ, वो सारी चीजें भी पढ़ाई जाती हैं। और अभी मेरे बच्चों की भी किताबें यहाँ पे, मैं सेकेंड यानी नेक्स्ट जनरेशन की किताबें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा कोई, केवल भारत पाकिस्तान के दायरे की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ह्यूमनिटी या ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें, तो ऐसा कोई हेटर टाइप का सब्जेक्ट नहीं होता है, ऐसा कोई नरेटिव नहीं होता है। हमेशा बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आपको हेट, घृणा या ऐसा, ये चीजें तो किसी भी इंसान के साथ नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे किसी चीज का हो। कहीं पे भी आपको ऑफिशियल ना तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा। और इसके साथ साथ जो एक इंडिविजुअल लाइफ होती है ना, जैसे जब हम लोग बच्चे थे, आपस में मिलके बात करते थे, या सोसाइटी में अगर कहीं पे भी जाएं, तो वो भी एक एजुकेशन का पार्ट है, इनफॉर्मल एजुकेशन का जो पार्ट है, जो गली चौराहों में खड़े होकर के हम लोग किसी से बात कर लेते हैं, तो वहां पे भी इस तरीके की बातें नहीं होती हैं कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान को, कंट्री को, कल्चर को, रिलीजन को लेकर के आप टारगेट करते हुए उसी में मशरूफ रहिए, उसी में आप हमेशा खोए रहिए। तो ना तो प्रैक्टिकल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में ये चीज यहाँ पे है, ना टेक्स्ट बुक में है, ना स्कूल कॉलेजेस में है, कोई फंक्शन या कोई ड्रामा भी नहीं होता है अगर किसी चीज को वहाँ स्कूल कॉलेजेस में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एटलीस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, टच वुड, 2 जनरेशन का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, एक खुद मेरा और खुद मेरे बच्चों का। अभी वो 9वीं में और 8वीं में पहुंच गए हैं, तो उनके पीटीएम वगैरह और ये सारी चीजें, स्कूल के फंक्शंस हम करते रहते हैं, तो कहीं पे भी मतलब बैक ऑफ द माइंड भी ऐसा नहीं है कि हमें कहीं ऐसा लगे कि नहीं जी, ये चीज भी एक है, हमें भूलना नहीं है, हमें याद रखना है। और इतना ही नहीं, मैं तो आपको ये बताऊं, आप ये देखिए, 200 साल तक अंग्रेजों ने जो है हमारे ऊपर राज किया, इसके पहले भी बहुत सारे तशद्दुद या जुल्म हुए हैं, हाँ, जिसको कि इंडिविजुअली हम जानते तो हैं,
लेकिन उसको एक इतना हॉट आइटम की तरह कभी ये नहीं बोला जाता है सोसाइटी में, टेक्स्ट बुक में, फंक्शंस में, कहीं अगर गैदरिंग होती है कि जी उसको याद रखना है, भूलना नहीं है, ऐसा हुआ था, जो चीज हो गई पास्ट में उन सब चीजों को भुलाते हुए, और जो हजारों साल पुरानी परंपरा है कि भाई सब बराबर है, इंसानियत होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए, यानी ह्यूमिनिटी की तरफ जो अप्रोच हो वो फर्स्ट अप्रोच हो, और जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसके लिए, मतलब कि फैक्ट्रियां कैसे लगे हैं, डेवलपमेंट कैसे हो, रोड वगैरह कैसे हो, पब्लिक का बेनिफिट कैसे हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई प्राइवेट हो, इवन फैक्ट्रियों वगैरह में, कंपनियों में भी हमने काम किया है, वहां पे जितने भी आप एम्प्लॉय का पूल देखेंगे, टैलेंट पूल देखेंगे, वो मिसलेनियस क्लास से आते हैं, अमीर गरीब हर उससे आते हैं, और वहां पे भी इस तरह की बातें नहीं होती हैं, या टारगेटेड नहीं होता है कि भाई हम तो इस कम्युनिटी के हैं तो हमारा एक स्पेशल आइडिया है या मकसद है उस कंपनी को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक बड़ी फ्रैंक सी चीज बताऊं, यहाँ पे जो खूबसूरती है ना, मैं प्राइवेट कंपनियों की बात कर रहा हूँ, कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट लीड करते हैं, नंबर 1 ब्रांड है यहाँ पे, लेकिन वो इक्वली एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, सोसाइटी में वो सब लोगों के लिए पर्टिकुलर उस चीज के लिए वो वहां पे जो है वो लीड करते हैं, नंबर 1 यहाँ पे ब्रांड बने हुए हैं। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज आप ये करिए, ना टेक्स्ट बुक मिलेगा, ना गली चौराहों में मिलेगा, ना किसी ऐसे फंक्शन में मिलेगा जहां इंटेलेक्चुअल गैदरिंग होती है, गांव से लेकर के शहरों तक आपको कहीं नहीं मिलेगा। और चोरी छुपे भी लोग बात नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल उसमें, चोरी छुपे भी लोग अगर कोई बात करें तो वो बोलते हैं, मतलब उसको इग्नोर कर दिया जाता है कि ये गलत चीज है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जी मिश्रा जी, ये तो चलो आपने कहा कि हमारी बुक से लेकर हमारे आम सामाजिक जीवन में भी जिस तरह से हम लोग डील करते हैं तो वो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। शकील साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी इस बात को लेकर कि सेम यही सवाल वैसे तो आपके साथ आपसे भी यही जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की किताबों में भारत के बारे में क्या पढ़ाया जाता है। और इसमें मैं एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में किसी ने मुझे बताया था कि एक्चुअल में तो इतिहास हम सब जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग हुआ, पाकिस्तान देश बना, ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आजादी मिली। लेकिन वहां पर जो पढ़ाया जाता है वो किसी पाकिस्तानी ने ही मुझे बताया कि 800 साल से हमने भारत पर राज किया है। ये मुझे वहां से किसी ने बताया, हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का तो कोई मुल्क धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हकीकत में वहां क्या है, क्या उन्होंने मुझे गलत बताया या वहां की टेक्स्ट बुक में किस तरह की पढ़ाई होती है? थैंक यू मानो मिश्रा जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की, बहुत इंफॉर्मेटिव बातें की, और मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों के अगर एजुकेशनिस्ट और जर्नलिस्ट जो हैं वो मिलें तो बहुत सारी गलत फहमियाँ, इस तरह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, दूर हो सकती हैं। मसलन मेरे कुछ दोस्तों ने बताया, जो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, कि इंडिया की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें जो जंगें हुई हैं पाकिस्तान के साथ 65 की खास तौर पे, उसका जी कोई जिक्र नहीं है। हमारी टेक्स्ट बुक्स में 65 की जंग को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, जी और बाकी जो बातें आपने की कि भई वो हमने 800 साल तक, 1000 साल तक हुकूमत की, इस तरह की बातें भी हैं, और उस पे हमारे यहाँ कुछ जो इनलाइटेंड लोग हैं उन्होंने क्रिटिसिज्म भी किया है। और पहला क्रिटिसिज्म जो था वो 1985 में आया, परवेज हुदबई, प्रोफेसर परवेज हुदबई और उनके कॉलीग हैं प्रोफेसर ए.एच. नैयर, उन्होंने एयर मार्शल असगर खान की एक किताब थी उसमें एक चैप्टर लिखा था, रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री इन पाकिस्तान। जी और उसके बाद आपके इल्म में होगा कि हमारे बड़े अच्छे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने किताब लिखी, वो मर्डर ऑफ हिस्ट्री उसका नाम था, के अजीज नाम है उनका। तो मर्डर ऑफ हिस्ट्री पूरी किताब इसी पे है कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में किस तरह से चीजों को, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, फैक्चुअल एक्यूरेसी का ख्याल नहीं रखा जाता। और पार्टीशन के हवाले से, मसलन पार्टीशन के हवाले से इस चीज पे बड़ा जोर दिया जाता है कि भई हिंदुओं ने और सिखों ने मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म किया। मुझे याद है एक सेमिनार था इस्लामाबाद में जिसमें कुलदीप नायर साहब तशरीफ लाए थे इंडिया से, और आपको पता है कि वो सियालकोट में पैदा हुए थे, जी तो उन्होंने दो किताबों का कंपैरिजन किया, गालबन फोर्थ ग्रेड की दोनों किताबें थी, कि पाकिस्तान की जो टेक्स्ट बुक है वो किस तरह से एक्सप्लेन कर रही है 47 में जो कुछ हुआ। तो उसमें यही था कि भी हिंदुओं ने भी मुसलमानों को मारा, सिखों ने भी मुसलमानों को मारा, उनको घरों से निकाला। तो फिर उन्होंने इंडियन किताब का भी एक रेफरेंस दिया,
और उन्होंने कहा कि उसमें ये लिखा है कि भाई इट वाज अ पीरियड ऑफ मैडनेस एंड हिंदूज किल्ड मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स किल्ड हिंदूज। तो जी इस तरह की बात थी और उन्होंने कहा कि मैं खुद, मुझे पता है कि किस तरह मैं ट्रक पे बैठ के भाग के गया था सियालकोट से, क्योंकि मेरी फैमिली सियालकोट को नहीं छोड़ना चाह रही थी। हमने बड़ा जी रजिस्ट किया, लेकिन फिर जब हालात बहुत खराब हो गए तो हमारे दोस्तों ने ही हमें मशवरा दिया कि अब आप तशरीफ ले जाएं, यहाँ पे आपकी जिंदगी महफूज नहीं होगी। तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीजें काफी हैं हमारी टेक्स्ट बुक्स में, और जो समझदार लोग हैं, एनलाइटेंड लोग हैं, वो उसकी तरफ निशानदेही भी उसकी करते रहे हैं और उस पे मजीद काम करने की भी जरूरत है। एच नैयर ने ही एक और स्टडी बाद में की, हमारे यहाँ एक थिंक टैंक है एसडीपीआई, जी sdpi.org पे जाएं आप तो वहां पे वो मिल सकता है, द सटल सबवर्जन। तो एच नैयर और अहमद सलीम, एक और हमारे बड़े मशहूर वो हैं, स्कॉलर हैं, तो उन दोनों की वो स्टडी है द सटल सबवर्जन, वो उनकी वेबसाइट पे मौजूद है, 137-138 पेजेस की वो एक स्टडी है। तो इस जी तरह की चीजें हमारे यहाँ मौजूद हैं, बाकी और लोगों ने भी इस तरह की स्टडीज की हैं। तो ये बात है कि इस तरह के मसाइल हमारी टेक्स्ट बुक्स में हैं। जी 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 प्लीज। शकील साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट इसमें, आपने जो एक चीज पूछी कि 65 की वॉर को पाकिस्तान में ग्लोरीफाई किया जाता है, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ऐड ऑन करना चाहूंगी, हमारे टेक्स्ट बुक में जब हम अपना हिस्टोरिकल बुक्स नहीं, पॉलिटिकल बुक्स जब हम पढ़ते हैं और जब हम पार्टीशन वाली जो चीजें पढ़ते हैं उसमें ये चीजें तो वो तो क्लियर कट है कि देखिए कि वो मैडनेस का टाइम था और नो डाउट सभी धर्म एक तरह से पागलपन का शिकार थे। वो पागलपन किसने किया, हमें ये पढ़ाया जाता है कि वो ब्रिटिशर्स ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई उसके तहत हमारे लोगों में ये चीज पैदा हुई, लेकिन उसमें हम ये नहीं कहते कि मुस्लिमों ने किया या हिंदुओं ने किया, उनकी वजह से हम लोगों ने ये गलती की। दूसरी चीज ये कि जो हमें टेक्स्ट में पढ़ाया जाता है वो ये है कि 1948 में जब ट्राइब्स आए थे कश्मीर में और कश्मीर के राजा हरि सिंह ने हम लोगों से एसोसिएशन वो किया एक तरह से, उसके बाद हमारी पहली जंग होती है पाकिस्तान के साथ 48 के बाद 65 में, देन हमारा 71 भी काउंट होता है और देन उसके बाद आपका अपना कारगिल वॉर भी काउंट होता है। एक तरह से हमारी चार जंगें हमारे यहाँ पे बताई जाती हैं लेकिन उसको ग्लोरीफाई नहीं किया जाता है। ये जरूर किया जाता है कि हाँ दोनों मुल्कों में ये चीजें हुई और भारत ने उसमें जीत हासिल की समझौते हुए, ताशकंद समझौता आपको पता होगा, 71 वाला जो हुआ एक तरह से वो इंटेंशनली चीजें नहीं थी। मतलब भारत में ये नैरेटिव नहीं है शकील साहब कि हमें पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय या ऐसा करना, बल्कि पाकिस्तान जितना स्टेबल रहेगा उतना हमें सुकून है, हकीकत तो ये वाली चीज है। और वहां की जनरेशंस जितना अच्छा सही पढ़ेगी, सच पढ़ेगी, नौकरियां करेगी, रोजगार मिलेंगे, बाहर की कंपनी आएंगी, तो वो एक जनरेशन बदलेगी तो माहौल बदलेगा, अपने आप पीस एंड प्रोस्पेरिटी हमारे हमसाया मुल्क में रहेगी और पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा रहा था तो हम उसको क्यों बर्बाद करना चाहेंगे। ऐसा मतलब हमारे यहाँ पे नहीं ये नैरेटिव है शकील साहब। हाँ कभी कभी कुछ पॉलिटिकल बयान जरूर जरूर आते हैं लेकिन 99% जनता चाहे वो किसी भी धर्म की हो कोई नहीं चाहती कि पाकिस्तान को बर्बाद करे या वहां के लोगों के लिए, कोई भी एक भी नैरेटिव आपको नहीं मिलेगा। किसी को ब्रेकिंग का या इस तरह का चक्कर हो तो वो एक अलग बात है कि लोग इस तरह के नैरेटिव और शगुफे भी छोड़ते हैं ना, उन्हें नहीं पता होता कि इस चिंगारी का कितना क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो मिश्रा जी मैं आपकी तरफ आऊंगी अपना एक दूसरा क्वेश्चन लेके, जिसमें दो कौमी नजरिए पर अक्सर बात की जाती है, पाकिस्तान में भी मैंने कई बार सुना है, कुछ चैनल्स पे भी सुना है कि एक दो कौमी नजरिया की वजह से भारत और पाकिस्तान डिवाइड हुए, हिंदू और मुस्लिम डिवाइड हुई। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि पार्टीशन की वजह ये दो कौमी नजरिया कब जनरेट किया गया और इसका क्या इसका खामियाजा तो हम लोगों को पता है कि हम दो हिस्सों में बंट गए, लेकिन ये नरेशन कब शुरू हुआ? ये हिंदू देखिए मुस्लिम का झगड़ा तो था ही नहीं शुरुआत में। देखिए मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूं, जहां मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन की, प्रयागराज इलाहाबाद, जी जो कि जी संगम या त्रिवेणी भी है, जहां गंगा यमुना आके मिलती हैं, तो एज पर जो रिकॉर्ड्स हैं, जो मेरे नॉलेज में है, ये है कि उस वक्त वहां पे मुस्लिम लीग का या मुस्लिम विद्वानों का, ये बात है कुछ 1880-85 के आसपास, अल्लामा इकबाल उस वक्त जो है जिंदा थे, जो जी पाकिस्तान के मतलब बहुत बड़े फिगर हैं, बहुत जैसे मतलब, तो वहां पे उन्होंने टू नेशंस थ्योरी या ये चीजें तो वहां नहीं रखी थी, पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं रखा था, लेकिन पहली बार उन्होंने इस चीज को वहां पे जरूर रखा कि भाई मुस्लिमों को रहने के लिए एक अलग भूखंड एरिया या एक अलग व्यवस्था दी जाए।
और वो बाद में कुछ ऐसे जाकर के हुआ कि ठीक है मुस्लिमों के लिए विद इन इंडिया ही कुछ एक अलग सेपरेट स्टेट किया जाए जहां पे कि सारी चीजें उनके हाथ में रहेंगी, उनके हिसाब से रहेंगी। फिर धीरे धीरे जो और लोग इसमें जुड़ते गए, जिन्ना जिन्ना जुड़ गए और लोग जुड़ गए, तो खोपड़ी तो इंसान की होती है, वो अपना बेटर बेनिफिट लेना चाहता है हर मौके को। वो देखिए जिन्ना साहब के पास भी ये था कि भाई हम भी कहीं से प्राइम मिनिस्टर या किसी मुल्क के हेड बने, फिर उसमें धर्म भी मिलता चला गया। जब आप धर्म देखिए यहाँ पे इंडिया में जो आजादी की तहरीक शुरू में चली थी वो आजादी के लिए थी, वहां पे वो ऐसा कोई किसी धर्म से रिलेटेड नहीं था। ये तो जब वहां पे ये चीजें हुई तो वो चीजें जुड़ती चली गई, तो उसमें रिलीजन भी आ गया। और जब रिलीजन आ जाता है जिन्ना के साथ, जिन्ना ने जब रिलीजन को उसको जोड़ा, तब वो दो कौमी नजरिया हो गया जी। आप 800 साल से, देखिए बहुत से लोग बोलते हैं कि 800 साल से हमने राज किया, आपने जब राज किया तब आपको कोई तकलीफ नहीं थी, आपको अपने हिंदू सब्जेक्ट से, हिंदू प्रजा से आपको कोई तकलीफ नहीं थी। बहुत सारी चीजें आपने की, आप दुनिया के सबसे अमीर जो है राजा बने या बादशाह बने, तो वो कहां से बने? हिंदू प्रजा के कारण ही ना, टैक्सेस वगैरह तो सब यही देते थे, तब कोई तकलीफ नहीं थी। ऑल ऑफ सडन आपको ऐसी तकलीफ क्यों होने लगी? भाई मैं बोलता हूं कि जितने भी ये मुगल आए थे किसी ने भी ये नहीं बोला कि जी हम अलग राष्ट्र बनाएंगे, वो करेंगे, सही था गलत था वो एक डिफरेंट डिबेट की चीज है, हम बात करेंगे। तो जब ऑल ऑफ सडन उन एक बहाना चाहिए था, तो वहां पे दो कौमी नजरिया आ गया, फिर उसमें और शर्तें जुड़ने लगी जी हम इसलिए साथ नहीं रह सकते, इसलिए साथ नहीं रह सकते हैं। अच्छा कोई भी अगर नैरेटिव आता है तो उसको लाइक या डिसलाइक करने वाले एक ग्रुप होते ही हैं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए और अपने सेल्फ के लिए उन्होंने ये सारी चीजें की। बाद में जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो डेफिनेटली मानता है, और लॉजिक और फैक्ट के बेस पे ये प्रूव किया जा सकता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एक रहा होता, मैं केवल मुस्लिम्स की अगर बात करूं तो मुसलमानों की भी तकदीर आज कुछ और होती। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट वहां पे था कि कैसे एक चीज जो है छोटा सा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, वो कॉन्सेप्ट बढ़ते बढ़ते लोगों के अपने फायदे, जो इंसानी खोपड़ी होती है वो उसमें जो है और उसमें मिर्च मसाला डालते गए, फिर वो आग इतनी बढ़ गई कि उसके बाद क्या हुआ, पार्टीशन क्या हुआ, और पार्टीशन के बाद क्या हुआ 70 सालों में आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी कंट्री कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। तो ये चीजें थी। इसीलिए देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे नॉलेज के लिए हम लोग हर चीज पढ़ते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस नॉलेज को हम अपने दिमाग में भूत की तरह बैठा लें और 2400 घंटे उसी के पीछे कि जी वो फलाने फलाने, मतलब पता चला कि 500 साल पहले किसी ने हमारे साथ ऐसा गलत किया था तो अब हम ढूंढेंगे कि जी उनकी कब्रें कहाँ हैं और उनकी पुश्तें कहाँ पे रह रही हैं, उनके लोग कहाँ पे रहे हैं, फिर उनको पकड़ करके हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी हमारा एजेंडा फिनिश नहीं हुआ है, जब तक हम ये नहीं कर लेंगे तब तक हमारा एजेंडा खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है, हम पहले भी बहुत कूल थे, हम कंस्ट्रक्टिव माइंडेड थे, इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम आज भी कंस्ट्रक्टिव माइंडेड है। हमारा फर्स्ट ओपिनियन हर आदमी की तरफ, हर इंसान की तरफ, हर पड़ोसी देश और सात समंदर पार के देशों के साथ। आप ये देखिए आज भारत का यूएई या गल्फ की कंट्री, कल्चरली देखा जाए आइडियोलॉजिकली तो टोटली 36 का आंकड़ा है ना, एकदम अलग है, लेकिन बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, इतने इंडियन लोग वहां जाके रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो एक समाहित करने की, एडजस्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, हम फ्रीडम चाहते हैं, हमारे लिए अपना स्पेस हो, और हम दूसरों को फ्रीडम देना भी चाहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हम पूजा पाठ करें, अपने रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म करें, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हम ही करें, हम दूसरों को भी देंगे। और यही एक रीजन रहा है कि इंडिया में जो भी आए हैं सबको शेल्टर मिला है, चाहे ईसाई हो चाहे पारसी हो, हजारों साल से तो आ रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है। तो हम बहुत ज्यादा एकोमोडेटेड माइंडेड, यहाँ पे कल्चर है वो, और कल्चर क्यों डेवलप हुआ? कल्चर डेवलप होता है जो बचपन से तरबियत होती है, यानी जो एजुकेशन आपकी होती है, उर्दू में उसको तरबियत बोलते हैं शिक्षा को, तो जो शिक्षा आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अगर हमें भी ये पढ़ाया जाए कि भाई फलाना आदमी तो तुम्हारा अभी नहीं 1000 साल से दुश्मन है, जब तक तुम इसको ये नहीं कर लोगे वो नहीं कर लोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी का कोई मायने नहीं है, तब तो पता, 120 करोड़ लोग अगर वार मूड में रहने लगे, या शकील साहब 120 करोड़ छोड़िए, अगर 120 करोड़ के 50 करोड़, 50% लोग भी वार मूड में रहने लगे तो क्या होगी दुनिया की हालत, आप इमेजिन कर सकते हैं? नहीं, हम लोग शुरू से ही बहुत टॉलरेट रहे हैं, ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी आपको झलकेगा, ये आप यहाँ कभी आएंगे सोसाइटी में भी आपको झलकेगा, आप फ्री होके घूमिए,
आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आपको छेड़खानी करने वाला नहीं है, कोई आपके साथ मिसबिहेव नहीं होगा, आप उतना ही कंफर्ट फील करेंगे, दुनिया का दूसरा आदमी उतना ही कंफर्ट यहाँ पे फील करता है जितना वो अपने घर या अपने कंट्री में फील करता है। जी शकील साहब, इसी इसी सवाल के साथ मैं आपकी तरफ आती हूँ कि पाकिस्तान में दो कौमी नजरिए को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है? दो कौमी नजरिए पे मैंने काफी काम किया है, और एक पेपर मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब मैं मीडिया स्टडीज पढ़ रहा था तो एक पेपर इसी पे लिखा था। आई हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरेस्ट इन द टू नेशन थ्योरी। तो जी उसमें जो है टू नेशन थ्योरी क्या मिश्रा जी ने जो कहा ना जी, अलामा इकबाल का जो मशहूर जिसको हम कहते हैं फेमस जी एड्रेस, वो 1930 का था इलाहाबाद में, उस वक्त जिसका जी नाम इलाहाबाद था। तो यस उसमें राइट उन्होंने राइट सर जो आइडिया दिया उस पर बड़ी डिबेट है। बहुत सारे हमारे अपने भी हिस्टोरियन इंक्लूडिंग के अजीज वो ये कहते हैं कि इकबाल ने उसमें सेपरेट होमलैंड का आइडिया नहीं दिया था। सो ही वॉज लुकिंग फॉर ए कंसोलिडेटेड मुस्लिम प्रोविंस विद इन इंडिया। और जी इकबाल के अपने भी दो तीन लेटर्स हैं ऐसे जिसमें उन्होंने कहा कि आई हैव नथिंग टू डू विद द पाकिस्तान स्कीम। पाकिस्तान जी स्कीम जो थी वो चौधरी रहमत अली की थी, तो उन्होंने कहा कि मेरा आइडिया मुख्तलिफ है उससे। तो बहरहाल 1930 का जो खुतबा है जिसको एड्रेस कहते हैं, तो उसमें इस तरह की बात नहीं थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं बाद में उन्होंने ये कहा, लेकिन बहरहाल 30 का जो एड्रेस है उसमें नहीं था। तो जी टू नेशन थ्योरी पे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ खुल के इस पे तनकीदी नजर नहीं दौड़ाई जाती, क्रिटिकली इसको नहीं देखा जाता। तो वरना इस पे बड़ी अच्छी एक किताब है चौधरी खलीको जमान की। खलीको जमान वाज वन ऑफ द टॉप लीडर्स ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड ही वाज फ्रॉम लखनऊ। तो जी उन्होंने ये किताब लिखी पाथवे टू पाकिस्तान, और उर्दू में भी है वो, ज्यादा डिटेल्ड है वो, शाहराह पाकिस्तान। तो उसमें उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हैं टू नेशन थ्योरी के हवाले से, जो मेरा ख्याल है कि 99.9% पाकिस्तानियों को नहीं पता। इसलिए कि कोई टीवी एंकर, कोई कालम नवीस, कोई कालम अनिस्ट उनका जिक्र नहीं करता। तो किताबें तो बहुत कम छपती हैं, कोई किताब है तो 500 की तादाद में छपती है, कोई 1000 की तादाद में छपती है। तो किताबों के कंटेंट हैं वो उसी वक्त मशहूर होते हैं कि जब टीवी एंकर्स या कालम नवीस उनका जिक्र करें, मोर एंड मोर जी पीपल कम टू नो ऑफ देम। तो बहरहाल उसमें उन्होंने ये लिखा है कि दो कौमी नजरिया जो था वो इंडिया के मुसलमानों के लिए काफी हार्मफुल साबित हुआ, उससे जो थी नफरत जो थी दोनों कम्युनिटीज में उसमें इजाफा हुआ। और मेरा ये ख्याल था कि उससे कोई फायदा नहीं हुआ हमें, और हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो उस वक्त चीफ जी मिनिस्टर या चीफ प्राइम मिनिस्टर भी कहते थे उसको, 47 तक, अगस्त 47 तक बंगाल, यूनाइटेड बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, तो वो भी इसी ओपिनियन के हामिल थे कि टू नेशन थ्योरी जो है उसका हमें नुकसान हुआ, मुसलमानों के लिए उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। और उन्होंने ये लिखा कि जिना साहब जब जा रहे थे वन लास्ट टाइम फ्रॉम दिल्ली टू कराची, तो उन्होंने लिखा कि उन्होंने कहा कि फेयरवेल मीटिंग करते हैं, जो करीब करीब के जो अवेलेबल हैं मुस्लिम लीग लीडर्स उनको बुलाओ। तो आई थिंक ऑन द 1st of August दैट मीटिंग वॉज हेल्ड। तो उसमें वो लिखते हैं कि रिजवानुल्ला साहब थे, कि प्रॉबेबली ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली मुस्लिम लीग, तो ही स्टार्टेड आस्किंग ऑकवर्ड क्वेश्चंस कि हम तो बड़ा आगे आगे थे, पाकिस्तान लेके रहेंगे, बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, तो अब हमारा क्या बनेगा, व्हाट इज आवर फ्यूचर। तो उसमें वो कहते हैं कि जिना साहब को मैंने इतना परेशान कभी नहीं देखा जितना उस वक्त देखा, और मैंने कहा कि छोड़ो यार कोई और बात करो। और वो लिखते हैं कि मेरे ख्याल में ये उस गुफ्तगू का नतीजा था कि जिना साहब ने जाते ही जो पहली स्पीच की 11th of August 1947 को, जिसके बारे में हेक्टर बलीथो जो कमीशन्ड बायोग्राफर था जिना साहब का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको हायर किया था बायोग्राफी लिखने के लिए, उन्होंने ग्रेटेस्ट स्पीच डिक्लेयर किया है उसको। तो उसमें उन्होंने टू नेशन थियरी को खैरबाद कह दिया, ही बेड फेयरवेल टू हिज टू नेशन थियरी। So these are the words of Chaudhry Khalico Zaman, who later became the first president of Pakistan Muslim League, and he was also governor and ambassador later on. So वो ये लिख रहा है कि टू नेशन थ्योरी को जिना साहब ने उस वक्त खत्म कर दिया। और उन्होंने जब कहा कि नाउ यू आर ऑल मेंबर्स ऑफ पाकिस्तानी नेशन,
एंड यू हैव ऑल इक्वल राइट्स, इक्वल ऑब्लिगेशंस, तो उसके बाद तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इस तरह की बात करनी चाहिए। एक और हमारे बड़े वेल नोन प्रोफेसर थे, ही वॉज एन एक्सपर्ट ऑन जिन्ना, पाकिस्तान मूवमेंट, इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रोफेसर शरीफुल मुजाहिद, ही वॉज अ नेशनल डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर। उन्होंने भी ये बात लिखी है कि टू नेशन थ्योरी आफ्टर द 14th of August 1947 इट सीज टू एग्जिस्ट। इंडिया में एक कौम बन गई, इंडियन नेशन, पाकिस्तानी नेशन बन गई इधर, तो अब टू नेशन थ्योरी का रिलीजन की बुनियाद पे नेशनहुड का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। सो सम पीपल हैव रिटन अबाउट दैट, लेकिन जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें अभी तक भी टू नेशन थ्योरी की बात चलती है, और उस पर भी कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी। मसलन कुछ लोग कहते हैं कि जी सर सैयद अहमद खान, हु सेट अप अ कॉलेज इन अलीगढ़ व्हिच लेटर बिकेम अ यूनिवर्सिटी, ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द टू नेशन थ्योरी, बट देयर आर मेनी हु डिस्प्यूट दैट। सर सैयद ने तो 1984 में व्हेन ही विजिटेड पंजाब ही सेड के हिंदू और मुसलमान मेरे लिए दुल्हन, एक दुल्हन की दो आंखों की तरह हैं, और उन्होंने ये कहा कि आप मुझे हिंदू क्यों नहीं समझते, मैं भी हिंदू हूं। हिंदू से मुराद है एनीबडी हु लिव्स इन इंडिया, क्योंकि हिंदू जो है वो सिंधु और सिंध से है। सो ही सेड कि मुझे आप हिंदू क्यों नहीं समझते, और उन्होंने जब वो कॉलेज बनाया तो ही बैंड काउ स्लॉटर देयर। अब बहुत सारी ये चीजें हैं जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बच्चों को नहीं बताई जाती। और फिर कुछ लोग ये कहते हैं जी कि मुजद्दद अल्फसानी जो थे जहांगीर के वो दौर में थे, एंड जहांगीर एक्चुअली आल्सो इम्प्रिजंड हिम, तो कि जी मुजद्दद अल्फसानी या शेख अहमद सरहंदी वो टू नेशन थ्योरी के आर्किटेक्ट थे। सो देर इज नो रियली अग्रीमेंट हु रियली वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द टू नेशन थ्योरी। लेकिन टू नेशन थ्योरी के बारे में अगर आज लोगों से मैंने पूछा कि इफ टू नेशन थ्योरी स्टिल वैलिड टुडे, तो फिर क्या इंडिया में आज भी दो कौमें रह रही हैं, या पाकिस्तान में कितनी कौमें हैं? यानी अगर नेशन जो है डिफाइन होती है रिलीजन से, फिर तो पाकिस्तान में भी चार पांच कौमें अभी रहती हैं कि जो जितने भी हिंदू हैं वो एक नेशन हो गया, जितने मुसलमान हैं वो एक नेशन हो गया, जितने क्रिश्चियन हैं वो एक नेशन हो गए। So that means Pakistani nation does not exist. You only have religious nations. So इस तरह के जो practical problems हैं, unfortunately उस पे कभी freely debate नहीं होता, तो इस तरह से ये confusion का शिकार रहते हैं ये। जी बिल्कुल आपने सही कहा शकील साहब, क्योंकि देखिए जनरेशंस में बदलाव किस तरह से होता है जब हम उनकी नींव अगर स्ट्रॉन्ग नहीं डालेंगे। अगर ये टेक्स्ट बुक में बच्चों को, अब 6th 7th के स्टैंडर्ड के बच्चे को पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ये सब कुछ हमारे इधर पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, जिसमें ना केवल वो भारत के इतिहास या राजनीतिक या सामाजिक दायरे को समझता है, वो दुनिया को भी समझता है उसके थ्रू, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है, तो उसमें उन सब चीजों की बातें की जाती है। तो शकील साहब चलिए, ये तो एक छोटा सा था कि हम उस तरफ से चले गए। मेरा एक अहम सवाल जो अभी आने वाला था मिश्रा जी आपसे लूंगी, और सेम सवाल फिर मैं शकील साहब से लूंगी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति है मानव सभ्यता के शुरुआती जीवन को बताती है। ये हम सबको पता है, हम सबने ये इतिहास में पढ़ा है कि पहले गांव और नगर किस तरह से बसे। पहली सिविलाइज जो सिविलाइजेशन थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे इतिहास में हम, क्योंकि वो एशियंट भारत में, वो भारत का हिस्सा थी, आज ये जगह पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है। और ये एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है पाकिस्तान के लिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान हो सकता है इसे संभालता हो और वहां पे शायद यूथ जाता होगा। आप इस सभ्यता पर क्या कहेंगे मिश्रा जी? देखिए टैक्सिला तक्षशिला तो जब यूनाइटेड इंडिया की अगर हम बात करें इतिहास की, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट फेमस टाइप का, मतलब आप ये समझिए कि ऐतिहासिक धरोहर है, यूनेस्को वगैरह ने भी उसको डिक्लेयर किया है। हाँ मोहनजो, मैं उन सारी चीजों की बात कर रहा हूँ जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वहां पे हैं, वहां पे सबकी कंडीशन एक साथ है। आप इस तरफ देखिए कि उस टाइम के या उससे भी पहले के जो थे कितने खूबसूरती से जो है हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम लोग उसको ग्रूम कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल के टूरिज्म को डेवलप कर रहे हैं। एक अपनी जनरेशन को भी ये मिलता है प्राउड फील करने के लिए।
अब मुझे पता नहीं कि आफ्टर डिवीजन, जबकि होना तो ये चाहिए था भाई, डिवीजन हो गया तो आपके साथ जो चैलेंजेस हैं आप उसको जो है मैनेज करिए, ग्रो करने के लिए मैनेज करिए, रेदर देन कि एक एजेंडे पे आप फिक्स रहिए। अगर इन सब चीजों को आप देखिए, लाहौर में देखिए, टैक्सिला में देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, शारदा पीठ देखिए, कश्मीर में देखिए, ऑल ओवर मैप, उधर हिंगलाज देवी का मंदिर है जो कि बहुत ऐतिहासिक मंदिर है आपके बलूचिस्तान वगैरह में, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि उतना प्रॉपर कंसंट्रेशन वहां की पब्लिक, वहां का सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन दे नहीं पाया। अगर वो दे पाया होता इन सब चीजों को उतने प्रॉपर वे में, उन्होंने इसकी देख रेख की होती और ग्रूम किया होता, तो डेफिनेटली इसका भी डिविडेंट उनको मिलता। उनको डिविडेंट इस तरीके से मिलता है कि इंटरनेशनल जो है कम्युनिटीज जो भी हैं उसको देखने के लिए, आप ये देखिए ना कि रोम वगैरह में टूरिज्म वगैरह का, उनके जो पुराने आर्किटेक्ट हैं, टूरिज्म का कितना बड़ा बेनिफिट उन लोगों को मिलता है, और मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट मिलता है, केवल इनकम ही नहीं होती है। आप ये देखिए कि क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप भी डेवलप होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी डेवलप होते हैं दो कंट्रीज के बीच में। तो ये जो सिविलाइजेशंस के जो जगहें हैं, एंशियंट कल्चर के जो हम लोगों के हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, दीज आर नॉट ओनली फॉर की एक हिस्टोरिकल की हिस्ट्री के बुक में इसको पढ़ करके छोड़ दिया जाए, इसके मल्टीफोल्ड बेनिफिट होते हैं। आप ये देखिए ताज में, ये जो ताजमहल है, यानी एक बहुत बड़ा सिंगर है जो है, उसका प्रोग्राम यहाँ पे हुआ था, तो ये कल्चरल इंटरेक्शन हुआ। कई डिप्लोमेटिक इंटरेक्शंस इसी तरीके से, इसी को बेस मान करके होते हैं, कोरिलेशन एक डेवलप होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो मुझे लगता है इन बेनिफिट को वहां के इंटेलेक्चुअल्स या गवर्नमेंट समझ नहीं पाए, या उनके अपने पर्सनल और वेस्टेस जो इंटरेस्ट हैं कि उनको क्रिटिसाइज करके, उनको ये करके कि देखो जी ये टूटा फूटा है, इसको देखने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये एक डिफरेंट आइडियोलॉजी से बिलोंग करती है। देखिए कल्चर ये होना चाहिए कि किसी भी चीज की, अच्छी चीज अगर हमारे यहाँ है तो हमें उसको ग्रूम करना चाहिए, हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। कोई भी अच्छी चीज है, पूरी दुनिया इस चीज को मानती है। आप कई कंट्रीज में ऐसे देखते होंगे कि वहां पे किसी दूसरे देश की निशानी या कोई ऐसी चीज वहां पे पड़ी हुई है, वो लोग उसको ग्रूम करते हैं, लाइब्रेरी में रख के अगर कोई किताब है, या म्यूजियम वगैरह में रख के करते हैं, और मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट लेते हैं। लोग टूरिज्म के लिए आते हैं, कोरिलेशन, हिस्टोरिकल रिलेशन डेवलप होता है, सारी चीजें होती हैं। ये बहुत दुखदाई चीज है। मैं केवल एक चीज की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में, आप देखिए ना अजमेर है तो जियारत के लिए लोग तो आते हैं ना वहां से, आपके एक्स प्रेसिडेंट भी वहां पे जियारत के लिए गए हैं, ये जो है भुट्टो साहब के जो हस्बैंड थे वो जियारत के लिए आए हैं। अगर हम उसको एकदम से मान लीजिए खत्म कर दें, उसके लॉसेस क्या है, ये चीजें वहां पे इतने प्रॉपर वे में उनको अंडरस्टैंड नहीं किया गया। मैं तो ये बोलूंगा आप इसके जो मल्टी डायमेंशनल जो डिविडेंट है, वहां की गवर्नमेंट इन चीजों को ग्रूम करे, और वो किसी भी कल्चर से हो, मैं बोलता हूँ केवल टक्सिला, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नहीं, अगर कोई भी ऐसी पुरानी चीजें चाहे कराची में हो चाहे बलूचिस्तान में हो, आप उसको डेवलप करिए। गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, डेवलप करने के विद रिस्पेक्ट उसको डेवलप करिए और उसके डिविडेंड को लीजिए। इतने तीर्थ यात्री वहां पे जा सकते हैं, उससे आपको इनकम भी होगी, भाईचारा भी बढ़ेगा, एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलेगा। अगर वो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो वो उनको ये चीज करना चाहिए। अगर उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जो आइडियोलॉजी अभी है, जो हम लोगों ने बात की है, देखिए है क्या, ये ग्लोबल दुनिया है, केवल आज की बात नहीं है, मैं इतिहास की भी बात करूं, उस वक्त भी सिल्क रूट होता था, लोग जानते होंगे, बिना ट्रेड के, बिना जो है इंटरनेशनल इंटरेक्शंस और कल्चरल इंटरेक्शंस के, अकेले कोई सिविलाइजेशन या कंट्री जो है ग्रो नहीं कर सकती है, और वो कंटेंट हो जाएगी। जो प्रॉब्लम आज की डेट में कुछ देशों के साथ चल रहा है, जिन्होंने विलिंगली या अनविलिंगली अपनी गलत पॉलिसीज के कारण वो कंटेंट होते चले गए हैं, तो हजारों साल से इस खित्ते में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। हमारे ट्रेड उस वक्त जब यूनाइटेड इंडिया था ऑल ओवर वर्ल्ड में होते थे, सिल्क रूट का हम लोग प्रयोग करते थे। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, आप ये देखिए कि कोलकाता से लेके पेशावर तक जो बनी है, उसकी हिस्ट्री ये है कि वैदिक काल में उसको उत्तर पथ बोला जाता था, यानी पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर करने वाला वो एक वो था। फिर उसके बाद ये है कि अशोक ने जो है, सम्राट अशोक ने उसको थोड़ा मॉडिफाई करवाया, फिर शेरशाह सूरू ने उसको और अच्छा करवाया, फिर ब्रिटिश ने अपने मिलिट्री पर्पस के लिए उसको जो है रोड का कॉन्सेप्ट दिया, अभी वो 6 लेन बन गई है पूरी की पूरी। अब इतना बड़ा रूट अगर है और उसको आप प्रॉपर वे में, और उसका बेनिफिट हम ले रहे हैं, देखिए हमें ये चीज पता है, इसीलिए इंडिया भी बहुत सारे
ट्रेड रूट अभी बना रहा है उधर म्यांमार बर्मा उस तरफ ईस्ट की तरफ। अगर आप ये देखिए तो बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, हमारे हाईवे वहां पे बन रहे हैं जहां कभी हाईवे नहीं होते थे। हम उन चीजों को जो है और निखार रहे हैं जो ऐतिहासिक हमारी धरोहर है। यहाँ सोनौली एक है दिल्ली के पास में, ये खुदाई हमने की है वहां पे और मीडिया में बहुत उसका जो है उसको कवरेज मिल रही है कि हमें एक नई चीज पता चली है, हम स्टडी कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक नई नॉलेज आ रही है। तो मैं समझता हूं कि इन सब चीजों पे वहां जो एक स्टेप बॉर्न नेचर है उससे बाहर निकल के वहां के इंटेलेक्चुअल और गवर्नमेंट को, देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो टैक्सिला वगैरह ये सब जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि केवल एक देश की धरोहर है, पाकिस्तान की जो है धरोहर है या मिल्कियत है, ये ग्लोबल है, ये दुनिया इंसानी सभ्यता की ये धरोहर है। क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि इंसान मैनकाइंड और सिविलाइजेशन कब और कैसे डेवलप हुआ। अब अगर यही कॉन्सेप्ट हम मिस्र में लगा ले, देखिए इसका सबसे लॉजिकल एग्जाम्पल है मिस्र, होने को तो मुस्लिम कंट्री है लेकिन जितनी वहां पे हिस्टोरिकल चीजें हैं वो नॉन मुस्लिम से, पिरामिड वगैरह तो मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड नहीं है ना। लेकिन अगर कोई वहां गया हो तो मैंने ये सुना है कि वो लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो भाई आप बिल्कुल मुस्लिम कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री है, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन अगर कोई बहुत ब्यूटीफुल चीज अगर बनी हुई है तो उससे दुश्मनी निकाल के आप क्या दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे इस्लामिक नेचर के आदमी हैं, हम सीधे जन्नत में जाएंगे ये करके। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं, सारी दुनिया में कहीं पे भी अगर कोई धरोहर है चाहे वो उनके रिलीजन से मैच करती हो या ना करती हो, हमेशा उसको रिस्पेक्ट दिया गया है, वहां की सरकार ने रिस्पेक्ट दिया है। और ये चीज मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं, आप सारी चीजों को हटा दीजिए, पाकिस्तान में कॉमन इंटरेस्ट के इतने गुरुद्वारे इतने मंदिर, मोहनजोदड़ो हमारा मन नहीं करता है क्या कि हम जाके, हम किताबों में जिस चीजों को हमने पढ़ा है टैक्सिला को और इन सब चीजों को, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को छठी सातवीं में पढ़ा था, तो एक क्यूरियासिटी तो आती है ना कि चल के देखा जाए वहां पे। लेकिन क्लैशेज इतने ज्यादा हो गए हैं, अब वो पता नहीं कितना बचा है क्या नहीं बचा है, रिस्टोरेशन कुछ हो नहीं रहा है, आधे से ज्यादा फसाद की जड़ तो यहीं पे खत्म हो जाएगी अगर आप अपना माइंड सेट ब्रॉड कर लीजिए, आप मिस्र की तरह अगर उन चीजों को अपनाते हैं। बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन देखिए उनके यहाँ जो धरोहरें हैं वो अपने इनिमी टाइप के कंट्री को भी वो टूरिज्म के लिए ओपन है। मैं कश्मीर की बात आपको बताता हूँ, कश्मीर की चल रही थी, मैं अपने जॉब के पर्पज से वहां बहुत विजिट करता था और जब मैं वहां गया शिकारे पे हाउस बोट पे, तो शिकारे वाले वहां अट्रैक्ट कैसे करते थे कस्टमर को, एक एल्बम रखे रहते थे, वो दिखाते थे देखिए साहब उस टाइम शम्मी कपूर की ये फिल्म की शूटिंग हमारे यहाँ हुई थी, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं उनके साथ खड़े हैं, ये हीरोइन थी, ये वाला गाना, ये देखिए मेरे नाव पे हुई थी, मेरे बोट पे हुई थी, मेरे हाउस बोट पे हुई थी। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अगर ये देखा जाए उसको वैनिश कर दिया गया, टूरिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर था, कोई भी भारत की फिल्म बिना कश्मीर में कम से कम एक गाना तो, एक गाने की शूटिंग तो, सॉन्ग की शूटिंग कश्मीर में डल लेक में होती ही होती थी और इतनी खुशहाल जिंदगी थी उसके कारण, इनकम के कारण वो चीजें भी खत्म हो गई। और वहां पे जब हम रुकते थे तो ओनर वगैरह होटल के तो मुस्लिम ही होते थे, हमारे टैक्सी वाले भी मुस्लिम होते थे, ये फैक्ट है। टूरिस्ट लोगों को वो कुछ नहीं बोलते हैं, कोई फियर फैक्टर नहीं। अब यहाँ पे भी देखिए दो कौमी नजरिया यहाँ पे भी है, दो मतलबी नजरिया यहाँ पे भी आ गया, जिससे पैसा आएगा उसको तो आप अच्छी से जो है उसकी खातिरदारी करेंगे और फिर दूसरे लोगों से आप जो है क्यों विरोध करेंगे। अगर ये सब चीजें कश्मीर में नहीं होती, मैं अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बोलूं इस तरफ उस तरफ, क्योंकि ब्यूटी तो बराबर है, नेचर कभी भी जो है अपने आप को डिवाइड नहीं करता है कि इस तरफ हम ज्यादा ब्यूटी देंगे तो उस तरफ हम ज्यादा ब्यूटी देंगे। अगर ये सारी चीजें पीसफुल रही होती तो कितना टूरिज्म, आज कश्मीर ग्लोबल उस पे देखा जाए तो टूरिज्म का हॉटस्पॉट बना होता, हब बना होता, किसी को और कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन ये सारी चीजें वहां पे कुछ एक मुट्ठी भर लोगों ने, एक सेक्ट ऐसा है जिन्होंने अपने अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए, मैं बोल रहा हूँ उससे ना कौम का बेनिफिट हो रहा है, ना किसी स्टेट का बेनिफिट हो रहा है, ना जो है आपको दुनियावी बेनिफिट हो रहा है, ना आपको जन्नती बेनिफिट हो रहा है, वो फिजूल की चीजें उन्होंने। अच्छा जो इसको प्रपोगेट कर रहे हैं जो उधर के लीडर्स हैं उनका क्या है, उनका यहाँ पे भी मकान है, दिल्ली में भी मकान है, बीबी पाकिस्तान से है वहां पे भी बंगला है और लंदन में भी वो रहते हैं, बच्चे वहां पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं, तो उनको तो तकलीफें होती नहीं है ना। तकलीफें तो होती है आम आदमी को, अगर लॉकडाउन लग गया है या कुछ हो गया, बर्फबारी हो गई, तो उनके घर में खाने के लिए नहीं होते हैं, वो डे टू डे बेसिस के इनकम पे डिपेंड करते हैं,
लार्जर पार्ट ऑफ सोसाइटी के बेनिफिट को हमें देखना है, और जहां पे लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी हाशिए पे खड़े लोगों का बेनिफिट हो, कैसे भी करके वहां पे गवर्नमेंट को चीजों को सही करना चाहिए। जैसे अभी शकील जी पूछ रहे थे लॉकडाउन कितने महीने का वहां पे चला है, इंटरनेट वगैरह। मैं बोलता हूँ कि मैं ये भी मान लेता हूँ कि 100% सख्ती के साथ हुआ, 3 महीने नहीं, अगर 6 महीने करने से भी सिचुएशन बदल जाए तो उसको करने में कोई गुरेज नहीं है। अगर आपको कोई अपेंडिक्स हो गया, कोई हो गई, तो डॉक्टर आपको हफ्ते 15 दिन 20 दिन बेड पर रख के कंप्लीट बेड रेस्ट की बात बोलता है, सर्जरी करके आपकी जान को बचाता है। तो ये चीजें बेहतर है। देखिए, हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो सबसे गिरा हुआ आदमी है किसी स्टेट में, कमजोर आदमी है, बेनिफिट उसको भी मिले, उसकी भी जिंदगी खुशहाल हो, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अब कई लोग ये भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि जी 370 को एब्रोगेट कर दिया। देखिए, है क्या, कोई भी धारा, कोई भी प्रोविजन क्यों होना चाहिए अगर उससे सब्जेक्ट का बेनिफिट नहीं हो रहा है। मैं इसको एब्रोगेशन वगैरह मैं नहीं मानता हूं, मैं इसको मानता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का मतलब यह है कि भारत में जब हम आजाद हुए थे, मैं इंडिया की बात करता हूं, तब शायद कुछ कम स्टेट थे, आज की डेट में 29 या 30 स्टेट हो गए, तब डिस्ट्रिक्ट भी उतने नहीं थे, आज डिस्ट्रिक्ट भी बहुत ज्यादा, हमारा खुद डिस्ट्रिक्ट जो है एक तहसील होता था, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आता था। लेकिन बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी के लिए उस डिस्ट्रिक्ट को, बड़े डिस्ट्रिक्ट को 3 पार्ट में या 2 पार्ट में बांट दिया गया। तो सेम इज द कंडीशन, उसको हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हमने बहुत गलत किया, ये नहीं होना चाहिए जो वहां के नेता बोलते हैं। गवर्नमेंट पहुंचे, फैसिलिटीज पहुंचे, इंटरनेशनल फैसिलिटीज वहां पे पहुंचे, लोगों की जो गुर्बत है वो खत्म हो वहां पे, रोड पहुंचे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलप, सारे इंडिया में, सारे दुनिया में वर्ल्ड क्लास की रोड बन रही है, तो कश्मीर के लोगों को वो वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ट्रेन की फैसिलिटी पूरी इंडिया में अवेलेबल है, बेस्ट ट्रेन अवेलेबल है, तो कश्मीर के लोगों को ट्रेन की फैसिलिटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर उसको हम बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कुछ चीजों को एबोलिश कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। रिलीजन कुछ भी हो, गवर्नमेंट कुछ भी हो, अल्टीमेटली गवर्नमेंट वही सक्सेस होती है जो सब्जेक्ट यानी प्रजा की भलाई के लिए होती है, कोई भी देश हो। तब टारगेट आपका होना चाहिए कि लार्जर पार्ट ऑफ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो हो सकता है वो आप करिए। कुछ लोग अगर हल्ला मचा रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, अपने पॉलिटिकल या इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए, तो उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं जी, बहुत शुक्रिया है। मिश्रा जी, आपने बहुत क्लियर कट सारी चीजों को एक एक मंच पर लेकर आए। शकील साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल था कि जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जो दुनिया की पहली सिविलाइजेशन कही जाती है एक तरह से, कि इंसान ने प्लेन जिंदगी कैसे जीना शुरू किया ट्राइब्स को खत्म करके, इस वक्त वो शानदार धरोहर पाकिस्तान के पास है। देखिए, हम लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक में ये खूब पढ़ा है और हर किसी भारतीय की ख्वाहिश है कि हम मोहनजोदाड़ो जाकर देख सके, पर हकीकत में हमें नहीं पता कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने उसे प्रिजर्व किया है या नहीं। इसके साथ ही तक्षशिला की जो बात आती है, तक्षशिला हमारे देश में बहुत बेहतरीन इस वजह से भी है कि आपने आचार्य चाणक्य का नाम सुना सुना होगा शकील साहब, तो आचार्य चाणक्य जो थे वो तक्षशिला में प्रोफेसर थे और उस दौर में तक्षशिला यूनिवर्सिटी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो थी नहीं दुनिया में, तो दुनिया भर के जो स्कॉलर्स जो हायर एजुकेशन के लिए आना चाहते थे वो तक्षशिला में आते थे। तो अब तक्षशिला भी पाकिस्तान के पास है, तो दुनिया की दो शानदार धरोहर जो है वो पाकिस्तान में है, तो क्या वहां का यूथ, जैसे हमें टेक्स्ट बुक में तक्षशिला पढ़ाया गया, हड़प्पा मोहनजोदड़ो पढ़ाया गया, पाकिस्तान का यूथ इन चीजों को जानता है? सरकार इनको कुछ प्रोपेगेट करती है कि ज्यादा लोगों तक ये बात जाए, लोग जाने अपने इतिहास को? बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की मिश्रा जी ने। तो जी असल में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हड़प्पा जो है मेरे होम टाउन से कोई 35 किलोमीटर दूर है, तो जी जी आई नो हड़प्पा प्रेटी वेल। जी जी और टेक्सला जो है जहां मैं अभी रहता हूँ इस्लामाबाद, यहाँ से बहुत करीब है, तो जी नॉट नॉट वेरी फार फ्रॉम इस्लामाबाद। तो जी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतनी तवज्जो इन चीजों पे नहीं दी जाती। मेरा अपना जो होम टाउन है कमालिया, उसमें मेरे बचपन में वहां पे कुछ बिल्डोजर लगाए और जमीन हमवार की जा रही थी, तो उसमें कुछ बर्तन निकले। आई डिडंट जी रियली अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दोज पॉट्स। बाद में जी मुझे किसी दोस्त ने इस तरह से लंदन से एक मैसेज किया कि जी मैंने सुना है कि कमालिया में बड़े एंशंट सिविलाइजेशन के कोई आसार मिले हैं, ये वो, अनफॉर्चुनेटली देवर लॉस्ट। तो शुक्र है कि हड़प्पा में चीजें जो हैं वो सेव की गई। मैं गया भी हड़प्पा, तो वहां पे अच्छा सिस्टम है, और मोहनजोदाड़ो में भी मेरा ख्याल है ठीक है सिस्टम। लेकिन बात फिर वही आती है कि उसको जो है वो प्रमोट नहीं किया गया उस तरह से।
आप आपने जैसे अभी बात की अर्थशास्त्र के जो ऑथर थे, तो जी चाणक्य। चाणक्या, तो चाणक्या को अनफॉर्चुनेटली बहुत ही नेगेटिव लाइट में यहाँ पे शो किया जाता है, यू नो, जी तो टेक्स्ट बुक्स में भी और हमारे जो उर्दू अखबारात हैं उसमें भी बड़ा नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है कि एज इफ यू नो ही वाज अ वाइली यू नो हिंदू हु जी प्रीच्ड डिसेप्शन, हु प्रीच्ड कनिंग यू नो स्ट्रेटजीज एंड सो ऑन एंड ऑन। तो वो भी एक एक मसला है कि इस तरह की जो चीजें हैं उन पे कोई क्लैरिटी हो। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया है मिश्रा जी का कि उससे आप टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर सकते हैं। यू कैन प्रमोट द लव ऑफ हिस्ट्री अमंग योर योर ओन पॉपुलेशन। तो वो अनफॉर्चुनेटली उस दर्जे की नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो हम शायद इन चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेते जितना सीरियसली लेना चाहिए। तो उसमें कुछ लोगों को शायद ये भी होता है कि अगर इस तरह से इंडिया से लोग आए जाएंगे तो हमारी जो इडियोलॉजी है ना वो वीक पड़ जाएगी। यू नो मे बी दे डोंट से इट ओपनली बट एट द बैक ऑफ देयर माइंड दे माइट हैव दिस थिंग, यू नो, एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड कि एक दफा जब मुल्क बन जाता है तो फिर यू डोंट हैव टू जस्टिफाई इट 24/7। उसका जवाज ढूंढने की, उसको जस्टिफाई करने की, हर वक्त टेक्स्ट बुक्स को उससे फिल करने की जरूरत नहीं होती। वरना इस वक्त 22 अरब कंट्रीज हैं, यू नो, उनका फिर क्या जवाज है? वाई डोंट दे हैव वन कंट्री? दे हैव द सेम लैंग्वेज, दे हैव द सेम रिलीजन, बट दे आर सेपरेट कंट्रीज। तो ये हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। आई थिंक इट्स अननेसेसरी। और एजुकेटेड पीपल, इनलाइटेंड पीपल, दे रियलाइज दिस कि आपको 24/7 इसको जस्टिफाई करने की, किसी और कम्युनिटी के खिलाफ हेट फैलाने की, नफरत फैलाने की जरूरत नहीं है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनाफ एंड यू शुड मूव ऑन। अब जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश दे आर वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी सिक्योर। हमारे यहाँ एक मिनिस्टर थे, ही वॉज ओरिजिनली फ्रॉम सिलहट और उधर से आए थे इधर, ही बिकेम मिनिस्टर फॉर 9 ईयर, महमूद अली नाम था उनका। तो ही क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड तहरीक तकमील पाकिस्तान, मूवमेंट फॉर द कंप्लीशन ऑफ पाकिस्तान, एंड ही बिलीव्ड कि बांग्लादेश को दोबारा पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। तो बांग्लादेश ने कभी उस पर पैनिक नहीं किया कि ये आप क्या साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ, क्या कंस्पिरेसी कर रहे हैं। सो दे हैव द मेच्योरिटी के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी ने कोई इस तरह का बयान दे भी दिया। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी भी वो अखंड भारत वाला प्रोपेगेंडा बड़ा चलता है कि जी इंडिया ने पाकिस्तान को रेकग्नाइज नहीं किया। जब उनसे कहा जाए कि भाई उनकी यहाँ एम्बेसी है और रेकग्निशन क्या होती है, फिर कहते नहीं 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 दिल से तस्लीम नहीं किया। सो हमें दिल चीर के किसने देखा है, किसके दिल में क्या है? तो अब आपके स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं, इंटरनेशनल फोरम के आप दोनों मुल्क मेंबर हैं, तो व्हाट एल्स डू यू वांट? ये मेरे ख्याल में बड़ा ही एक अजीब सोच है, बचपना है, कि जिससे हमें निकलना चाहिए। एंड वी शुड ग्रो अप, वी नीड टू हैव सम सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी के इस तरह से अखंड भारत नहीं बनता। बल्कि एक साहब ने लिखा यहाँ पे कि अखंड भारत जो है ना वो नरेंद्र मोदी के ईमान का हिस्सा है। तो आई शोड हिम एन इंटरव्यू दैट नरेंद्र मोदी गेव एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इन 2012, एंड ही गेव दिस इंटरव्यू टू अ मुस्लिम जर्नलिस्ट शाहिद सिद्दीकी दिल्ली में। उन्होंने, मोदी साहब ने ये कहा कि मैं अखंड भारत में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अखंड भारत हो गया तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, आई एम हैप्पी विद प्रेजेंट बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। इसके बावजूद वो प्रोपेगेंडा अनफॉर्चुनेटली चलता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा शकील साहब। मिश्रा जी आपकी तरफ आऊंगी, क्योंकि शकील साहब ने जो अखंड भारत वाला जो कंसेप्ट बताया है अभी, इस पर मैं एक पॉइंट लेना चाहूंगी। शकील साहब, अखंड भारत जो जो पाकिस्तान में जो नैरेटिव कहा जा रहा है ना, अखंड भारत ये नहीं है कि भारत और पाकिस्तान ज्वाइन हो जाए। अखंड भारत ये उस एंशियंट भारत का एक दौर था जिसमें भारत की जो सीमाएं थी ना वो ईरान तक जाकर लगती थी। उसमें अफगानिस्तान भी इंक्लूड होता था, बर्मा भी इंक्लूड होता था, अगर हम इस तरफ का भी चला जाए तो बांग्लादेश और ये सब, ये वो अखंड भारत था। आज आज हम जिस अखंड भारत की बात करते हैं शकील साहब, जो हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उसके अंदर जो हमारा भारत है, जो 30 स्टेट है हमारे अंदर, हम उस अखंड भारत की बात करते हैं। भारत में कभी भी ये नहीं चाहत होती है कि बांग्लादेश हमारे साथ जुड़े या पाकिस्तान हमारा, नहीं, जब जो डिफरेंट है वो है और उनको वैसे ही रहना चाहिए।
क्योंकि वो 70-74 साल पुराने देश हैं इस वक्त में, 71 में बांग्लादेश है, पाकिस्तान 47 से है, तो जो एक आइडियोलॉजी डेवलप हो रखी है, और सबसे बड़ी बात शकील साहब, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में इस पर डिस्कस होता है या नहीं, जिस एरिया में पाकिस्तान बना है ना, इन लोगों ने 1936 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग को टू कौमी जो नेशन वाली थ्योरी थी उसके ऊपर वोट दिया ही नहीं था। वोट उन लोगों ने दिया था जो यूपी में और जो इधर जो मुस्लिम आज भी बसे हुए हैं ना, जो पाकिस्तान गए ही नहीं, जिन्होंने पाकिस्तान की डिमांड के लिए वोट किया, वो तो आज भी भारत में ही मौजूद हैं। तो जो जहां पाकिस्तान बना वो तो बेचारे बिना मतलब के चले गए, वो तो रेडक्लिफ लेखा लाइन जो उन्होंने खींची आके, जो ब्रिटिशर जब रेडक्लिफ साहब आए उन्होंने तो एक्चुअल लैंड जाके देखी ही नहीं थी, भारत और पाकिस्तान किधर बन रहा है, कौन सी वो था, जोग्राफिकल क्या टर्म्स है, उनके सामने तो मैप रख दिया गया इधर से हमारे वॉइस रॉय ने, और उनको कहा कि बस इस पे एक लाइन लाल लाइन खींच दीजिए, तो जहां जिस एरिया में आप खींचेंगे वो पाकिस्तान बन जाएगा। और इसी वजह से यही गलती थी। अदरवाइज आप देखिए बांग्लादेश किधर, नॉर्थ बीच में इंडिया रहता है, एक तरफ बांग्लादेश और एक तरफ पाकिस्तान, और उसको वो कह रहे हैं कि दो हिस्सों में पाकिस्तान बांट दो, बीच में तो आपने सैंडविच बना दिया इंडिया को। तो ज्योग्राफिकल समझ उनको नहीं थी, ये हमारे यहाँ पे सब टेक्स्ट बुक में ये पढ़ाई जाती है, कि नहीं तो वो इतनी बड़ी गलती नहीं करते। और दूसरी चीज की अखंड भारत, तो मिश्रा जी अब मैं आपकी तरफ आऊंगी, अखंड भारत को थोड़ा सा जस्टिफाई कीजिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक अगर ये सोचता है कि अखंड भारत का मतलब भारत और पाकिस्तान का ज्वाइंट हो जाना है, तो इस पर भारत में क्या कहा जाता है? मिश्रा जी आपको आवाज आ रही देखिए, है? जरा उस जी दौर में चलिए। हाँ, आ रही है। आप जरा उस दौर में चलिए जब अखंड जी भारत था, यानी आप उधर लास्ट देखिए कंबोडिया, अफगानिस्तान वगैरह, और इधर आप पूरा बर्मा, बांग्लादेश वगैरह ये सब देखिए, जब सीमाएं इतनी बड़ी थी तो उस वक्त जी की सिचुएशन क्या थी। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हम मिलिट्रली किसी को कॉन्कर कर ले। भाई, आज अगर हमें मिलिट्रली कॉन्कर करना है तो इंडिया के अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, मिलिट्रली कॉन्कर करने में उनको कुछ मतलब एक रात का भी उससे ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। वी नेवर बिलीव्ड, हम इन सब कॉन्सेप्ट में कभी बिलीव नहीं करते हैं। इंडियन आइडियोलॉजी जो है, अखंड भारत का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो कल्चर है, कल्चर मीन्स ह्यूमनिटी के बेटरमेंट के लिए जो कल्चर है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं ह्यूमन बीइंग, आदमी के बनीना इंसान के जो है जिंदगी को सुधारने के लिए, वो कल्चर सब जगह हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मान लीजिए इंडिया में बहुत अच्छी मेडिकल की तालीम है, इल्म है, हॉस्पिटल्स है, तो क्यों ना वो बांग्लादेश में भी हो, नेपाल में भी वो फैसिलिटी हो, पाकिस्तान में भी हो और अफगानिस्तान में भी हो। इसमें कोई बुराई थोड़ी है ना। अखंड भारत के टाइम पे भी कई लैंग्वेजेस थे, कई स्टेट थे, लेकिन कल्चर और सोशल प्रिंसिपल, इकोनॉमिक प्रिंसिपल सेम थे वहां पे। तो कॉन्सेप्ट बेस ये चीज है कि अखंड भारत का मतलब ये नहीं हुआ, जो लोगों में अपने दिलों में, जो इन्होंने शकील साहब ने बोला दिल से तस्लीम नहीं किया, उन्होंने कॉन्सेप्ट ही इंडिया और इंडियन फिलॉसफी के बारे में बहुत गलत बनाया है उसका, चाहे वो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट हो। अभी शकील जी ने एक चीज बोला कि चाणक्य के बारे में बहुत निगेटिव बोला जाता है, कितना बड़ा ये मिथ और कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर मैं ये मान लूं कि पाकिस्तान इस्लामिक बेस्ड कंट्री है, हाँ, तो चाणक्य जब था, जब चाणक्य एक्टिव था, तो उस वक्त तो मुसलमान नाम की तो कोई चीज भी नहीं थी, उसके तो सारे प्लेसेस मुसलमान से। चाणक्य की सारी किताबों में इस्लाम और मुसलमान का कहीं जिक्र भी नहीं है। चाणक्य ने अगर किसी को बोला कि इसके ऊपर अटैक करो तो मुझे पता है वो कोई और रहा होगा, लेकिन इट वॉज नॉट द इस्लाम और मुस्लिम्स। चाणक्य नेवर प्रोपोगेटेड, नेवर गेव ए कॉन्सेप्ट दैट आफ्टर 1000 ईयर, आफ्टर दैट मच टाइम पीरियड, मुस्लिम्स विल कम एंड यू हैव टू फाइट दैट दैट दिस दैट। लेकिन आप जबरदस्ती चाणक्य के उस कॉन्सेप्ट को अपने लिए खतरा जोड़ के देखते हो। दिस इज वन थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, चाणक्य का कंक्लूजन ये है कि चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, अगर वो अटैक करता है, चाणक्य ने बहुत सारे ऐसे हिंदू राजा भी थे जो गलत थे, उसको गलत लगता था, उनको भी उसने वैनिश किया, खत्म किया, उसके साथ युद्ध किया। सवाल सिर्फ ये है अखंड भारत का मतलब जो सही है, व्हाट एवर इट इज बेटर फॉर द ह्यूमन सिविलाइजेशन, फॉर ह्यूमन बीइंग, वो सब जगह होना चाहिए। जो बेस्ट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस हैं वो हम दुनिया में जहां ज्यादा से ज्यादा हो सके फैलाएं। आप ये देखिए, अभी जब हमने कोरोना की वैक्सीन हमने चलानी बनानी शुरू की, हमने नेपाल को भी दिया, नेपाल में बहुत ज्यादा टर्मोइल थी ठीक उसके पहले, इंडिया के अगेंस्ट बहुत प्रोपोगंडा था, हमने अमेरिका को भी दिया, हमने यूएई को भी दिया, सब कुछ दिया ना।
तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अखंड भारत, यूनाइटेड इंडिया? दिस इज ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया कि हम कैसे बेटरमेंट कर सकते हैं सोसाइटी का जरूरत के टाइम पे, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे लाइफ स्टाइल हो आपकी, चाहे डे टू डे एक्टिविटी हो, चाहे अप्रोच हो सोसाइटी की तरफ, इकोनॉमी की तरफ। अखंड भारत का मतलब ये नहीं है कि मिलिटरली हम किसी को अटैक कर देंगे। चाणक्य ने भी तो अटैक नहीं किया ना, आप मुझे बताइए, सेल्यूकस की बेटी से शादी करके जब लड़ाई हुई थी चाणक्य की, तो पीस उसने वहां पे जो है रिफॉर्म कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया। अगर चाणक्य चाहता तो उसके राजा को पकड़ करके वहां पे सेल्यूकस वगैरह को जेल में डालता और उल्टा उसके कंट्री पे अटैक करके कब्जा कर लेता, क्योंकि उस वक्त तो वो विक्टोरियस था। तो ये रॉन्ग परसेप्शन जो कुछ लोगों ने बनाए हुए है ना, ये बहुत गलत चीज है। और जब तक आपके मन में डर बैठा रहेगा, तब तक आप अपने डर के गुलाम रहेंगे। सवाल जो मुझे लगता है, पाकिस्तान बहुत सारे ऐसे मिथ से डरा हुआ है, वहां की जो पब्लिक है, और वहां डरा करके ही लोग, कुछ लोग अपना, जिसको बोलते हैं ना अपना बेनिफिट लेना, टेक्स्ट बुक में ऐसी चीजें लिखेंगे, प्रीचिंग्स ऐसी करेंगे। भाई वार कोई भी कंट्री हो, रोज रोज वार नहीं कर सकती है। इवन यूएसए या दुनिया की महाशक्तियां भी हमेशा वार में एंगेज नहीं रह सकती है, और कोई भी वार नहीं चाहता है। लेकिन इंटरनल कंडीशन को कैसे कब्जा करके रखें, कैसे कंट्रोल किया जाए वहां के पॉलिटिक्स पे, इन सब चीजों पे मुत्तहिदा कैसे किया जाए, पूरी कौम को अपने झंडे के नीचे पूरे कौम कैसे किया जाए। तहरीके लबैक का एग्जाम्पल आप देखिए, आपको लगता है कि तहरीके लबैक ने जो चीज चलाया, तहरीके लबैक का जो एग्जाम्पल है, वो पूरे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को चुनौती दे रहा है? एक नई फिलोसफी वो लेकर के आ गए हैं, उसकी जरूरत है? प्रॉब्लम्स हो सकती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जब आपकी आइडियोलॉजी, आपका बेस फियर फैक्टर पे आधारित होगा, ऐसे डर के ऊपर आप आधारित एक नेशन बनेंगे, कोई भी कंट्री हो जिसका कोई वजूद ना हो। चाणक्य को गलत कहने का क्या मतलब है? इस्लामिक कल्चर से तो उसका कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। किसी भी चाणक्य के टेक्स्ट बुक में ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी, और उसको भी आप निगेटिव ले रहे हैं। तो ये मिथ जो है, मुझे लगता है कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलीट क्लास और इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ एनी कंट्री। पाकिस्तान, शकील साहब जैसे हो गए, परवेज हुडबॉय वगैरह हो गए, हमने उनके भी वीडियो देखे थे। देखिए सर, फाइट तो आप ही को करनी पड़ेगी, आप ही लोगों को फाइट करनी पड़ेगी, और नहीं, अगर बदलनी है तकदीर, सारी चीजें बदलनी है, वो जो ड्रीम है वो आपको वहां पे इस्टेब्लिश करना है पीसफुल, ये सारी चीजें, तो दुनिया के साथ आपको चलना पड़ेगा। और दुनिया के साथ अगर कोई मुल्क नहीं चलेगा तो वो कंटेंड हो जाएगा। आपके ना कोरिया वगैरह जहाँ तानाशाह वगैरह हैं, या तो आप जिंदगी तो वहां पे भी चलती है, तो फिर हाय तोबा क्यों मचाते हैं आप कि भाई हम गुर्बत में है, ये है, ये चीजें नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है कि जब डिफरेंट आइडियोलॉजी और एक दूसरे के मुख्तलिफ, मुख्तलिफ मतलब एक दूसरे के विरोध में अगर आइडियोलॉजी है किसी कंट्री में और बहुत ज्यादा हो जाए, तो वहां पे इस तरीके के बलवे, इस तरीके के अनरेस्ट हमेशा होते हैं। तो सबसे पहले एक कॉमन आइडियोलॉजी डेवलप की जाए और चेंज की जाए। पाकिस्तान में जो कॉमन आइडियोलॉजी डेवलप की गई है बेस्ड ऑन अनसीन फियर फैक्टर, फ्यूचर को लेकर के पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, बच्चे से लेकर मिलिट्री तक, प्रेसिडेंट तक, बड़े फ्राइटेंडेड है। पता नहीं उनको ऐसा क्या डर लगता है फ्यूचर को लेके कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा, पाकिस्तान के वजूद पे खतरा आ जाएगा, इस्लाम पे खतरा आ जाएगा, सारी चीजें। इन सारी चीजों को छोड़ के जो डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है ह्यूमिनिटी के लिए, बेटरमेंट के लिए, उस पर अगर वो फोकस करें तो डेफिनेटली वो ज्यादा बेटर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी आपने इस चीज को। शकील साहब, यहाँ पे मैं सिर्फ एक एड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि आप काफी स्कॉलर हैं, आप उन थिंक टैंक के बीच में रहते हैं। जैसे आपने जो चाणक्य की बात की ना, इस पे मैं इसलिए कहना चाहूंगी, आई डोंट नो पाकिस्तान में इतना लिटरेचर मौजूद है या नहीं है। इवन जब जो चाणक्य का टाइम पीरियड है, आप उसको किसी और प्रोग्राम में जब कुछ लोगों से डिस्कस करें तो जरूर उनसे ये मेंशन कीजिएगा कि क्या कोई आपको उनका सही टाइम पीरियड बता सकता है। जब चाणक्य भारत में थे उस वक्त मुस्लिम इन्वेडर्स, जो मुगल इन्वेडर्स थे, क्या वो भारत आए थे तब तक? तो ये आप जरूर डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि वो चाणक्य को वो कोई 18वीं 19वीं शताब्दी के नहीं थे चाणक्य, 11वीं 12वीं शताब्दी। और उसमें जी जी मिश्रा जी, आप कुछ एड ऑन करना चाह रहे हैं? जी देखिए, है क्या प्रॉब्लम, यही है कि एक आदमी जो आपके टाइम पे था ही नहीं, जिसने आपकी चर्चा ही नहीं की, आपने उसको भी दुश्मन बना के रख लिया है। जैसे आपको बताऊं, अलिफ लैला वगैरह की कहानियां चलती हैं यहाँ पे, वो मिथ है, फैक्ट है, मुझे उससे नहीं पता, लेकिन अब उसमें जो जिन दिखाई देता है उसको हम अपना दुश्मन मान ले,
जिसका इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है और उसके फियर फैक्टर में हम जीते रहे कि भाई वो अलिफ लैला वाला जिन आ जाएगा, इसलिए सब लोग एक हो जाओ, अटैक कर दो, ये कर दो, तो ऐसे में क्या मिलेगा। मुझे सबसे ज्यादा हंसी वाली बात ये लगती है जो चाणक्य वाली बात है, जिसने कभी चर्चा नहीं की, जिसका कोई रिलेशन नहीं ना पाकिस्तान से ना इस्लाम से, जहां जिसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, उसके चैलेंजेस कुछ और थे, उस टाइम पीरियड की पूरी सिचुएशन अलग थी, एक जबरदस्ती उन्होंने उसको भी अपना जो है दुश्मन मान के रखा हुआ है। तो क्योंकि जो सब्र ही क्योंकि तो चाणक्य का मानो, टाइम फ्रेज ही आप जो चाणक्य की अलेग्जेंडर जो का जो पढ़िए आता है ना शकील तो साहब, सही। अलेग्जेंडर वाला टाइम और फ्रेम, नहीं, एरिस्टोटल वाला टाइम वो फ्रेम, वैक्सिला वो से ही चाणक्य था, का वो टाइम भी फ्रेम टक। है। जी, हाँ और तक्षशिला तो उससे भी पहले, तो नहीं, ये जरूर वो आप भी डिस्कस टका से था। कीजिएगा कि देखिए भाई चाणक्य कैसे दुश्मन बन गया आप लोगों का, आप जरूर पूछिएगा हमें नहीं, भी वो आप। जी 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 बेस वो क्या तो है दोस्त है चाणक्य से। वो। जी 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 शकील साहब। वो तो उनको पता है कि वो पुराने आदमी थे। मैंने एक दफा फेसबुक पे ये मैसेज लगाया था कि व्हाई डू पाकिस्तानीज हेट चाणक्या, जी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा पाकिस्तान के लोगों को तो चाणक्या का पता ही नहीं है, तो वो हेट क्या करेंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं जी है, देर आर पीपल हु हेट हिम स्पेशली इन द उर्दू प्रेस। वो जी जब भी इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो कहते हैं चाणक्या के पैरोकार जो हैं, चाणक्या के ओके जो हैं फॉलोअर्स, वो ये कर रहे हैं, एज इफ चाणक्या इज द एपिटमी ऑफ कनिंग यू नो पॉलिटिशियन, जी एक अनप्रिंसिपल्ड और बहुत ही सेल्फिश और क्या कहेंगे, इवल इवल बंदे के तौर पे उनको पेश किया जाता है। और इंडिया को ऐसे शो किया जाता है कि इंडिया फॉलोज दिस इवल मैन, दैट इज व्हाट दे से। जी ये तो खैर एक लाइन तो उनकी जरूर सच है शकील साहब, भारतीय चाणक्य को बहुत मानते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं अपनी, चाहे सियासत में हो चाहे किसी भी चीज में हो, लेकिन चाणक्य का जो प्रिंसिपल था ना वो ये प्रिंसिपल नहीं था कि मार दो काट दो, वो कहते थे अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए आपको जो करना पड़े आप कीजिए, और वो टाइम पीरियड इस्लाम का या मुगल इन्वेडर्स का वो था ही नहीं। हमारे कांटेक्ट किससे थे, यूरोपियन वर्ल्ड से, क्योंकि अलेक्जेंडर भी भारत आया था जंग करने के लिए, आपको पता हो सिलियोकस उन्हीं का सोल्जर था, सेनापति था एक तरह से, जिसने संधि की उस टाइम के जो हमारे राजा थे चंद्रगुप्त, और प्रधानमंत्री चाणक्य थे उनके, तो सिलियोकस की बेटी की शादी यहाँ चंद्रगुप्त से हुई, यानी कि ग्रीक और भारत का तो देखिए आप कल्चर रिलेशन डेवलप हो गया है ना यूरोप के साथ। अब वो जब सिकंदर भी चले गए, चाणक्य भी चले गए, सिल्यूकस भी चले गए, लेकिन भारत और ग्रीक में जब डिस्कशन होती है ना तो इस दोस्ताना रिश्ते पे होता है कि उनकी बेटी हमारे यहाँ ब्याही गई थी। तो ये चीजें खैर, ये एजुकेशन में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है शकील साहब, क्योंकि जितना एजुकेशन पे बात करेंगे, हमारे भारत में हमें छठी सातवीं क्लास में ये चीजें पढ़ा दी जाती है, आप सोचिए मतलब 10-12 साल के बच्चे के जहन में ये चीजें होती हैं, लेकिन कभी एक सिंगल वर्ड नहीं होता किसी टेक्स्ट बुक में कि पाकिस्तान से नफरत कीजिए, हमें पाकिस्तान पसंद नहीं है, या हमें मुस्लिम पसंद नहीं है। अब भारत में भी तो 20 करोड़ मुस्लिम है, पाकिस्तान से ज्यादा तादाद है यहाँ की, तो वहां भी सब खुशहाल है। और एक चीज और आप जरूर पूछिएगा अपने अगले किसी भी उनके लिए, क्या उन सबको पता है कि भारत ने 1947 से लेके 4 ईयर बैक तक पाकिस्तान को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिए रखा, जिसमें पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट मिले हैं सरकार की सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो ट्रेड होता है, जो हम इंटरनेशनल ट्रेड जिस एक आर्टिकल का करते हैं तो दूसरे मुल्क में उसके रेट अलग होंगे, पाकिस्तान को हमेशा 50% लेस में वो चीज दी जाएगी, तो वो जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा ताउम्र पाकिस्तान को दिए रखा, ये जब ये आपका कारगिल के बाद से ये थोड़ा सा बैकहेंड होना हुआ जिसपे भारत ने अपना स्टेप पीछे लिया, तो ये चीजें आप जरूर पूछिएगा। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में स्कॉलर्स इन चीजों पर बात करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इन चीजों पर बहुत बात होती है, क्लियर कट बात होती है। और जो लेकिन जो क्रक्स निकल के आता है वो यही निकल के आता है, पाकिस्तान के यूथ को रोजगार मिले, उनमें उनको सच पता हो, वो उस चीज को जैसे भी ले, वे उन पे डिपेंड करता है, बट उनको सच पता हो कि भारत पाकिस्तान कैसे बने थे, कितना दर्द झेला था उस दौर की कौम ने, हम में से हम सब आधुनिक दौर के हो सकते हैं, हम में से कोई 47 का नहीं है, लेकिन हमारे बाप दादाओं ने उस क्रॉस बॉर्डर और उस दर्द को, मार काट को, उसको सहा है, तो कोई नहीं चाहेगा कि इस तरह के इंसिडेंट कभी भी किसी भी मुल्क में हो रहे। हम तो हमसाया हैं, हमसाया एक भाषा और सब कुछ सेम होने के बावजूद अगर हम नफरतें पाल लेंगे तो पड़ोस तो बदल नहीं सकता शकील साहब, कैसे बदलाव होगा। और पाकिस्तान का यूथ जितनी तरक्की करेगा, आपने देखिए बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया,
बांग्लादेश का यूथ, मैंने बहुत सारे बांग्लादेश में मेरे लिंक है, उनसे जब मैं पूछती हूँ ना कि भाई आप पाकिस्तान से अलग हुए 71 में, भारत ने उसमें ये रोल अदा किया, तो आप इसमें किसको समझते हैं कि ये दिक्कत क्यों हुई? बांग्लादेशी यूथ को ना पाकिस्तान से कंसर्न है ना भारत से कंसर्न है, वो अपने बांग्लादेश से कंसर्न रखते हैं कि हमें अच्छी एजुकेशन, अच्छी तालीम मिले, हमारा भविष्य सुरक्षित हो, हमें अमन और शांति हमारे देश में रहे, हम हिंदू मुस्लिम के झगड़े में पड़ते ही नहीं है। तो ये चीज बस पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे है इस चीज से कि अभी थोड़ा लंबा वक्त हो गया इस चीज की तरफ निकलने के लिए, लेकिन जब आप जैसे लोग जितनी ज्यादा इस पर चर्चाएं करेंगे तो यूथ भी समझेगा, मुझे लगता है स्कूल कॉलेज के बच्चे भी इस चीज पर डिबेट करना चाहेंगे, क्योंकि हम तो पढ़ चुके होते हैं सिलेबस में, इसलिए हमें पता होता है, उनके सिलेबस में ही जो चीज नहीं है, सरकार एजुकेशन पॉलिसीज में ये सच ही नहीं डालेगी, तो उनसे हम कोई शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। शकील साहब सही, एक तो बहरहाल चाणक्य का भी जो आप बात कर रहे हैं ना, चाणक्य का भी नॉट एवरीबडी हेट्स हिम, मैंने खुद अपनी किताब में, अंग्रेजी पे किताब मैंने लिखी है हैंडबुक ऑफ फंक्शनल इंग्लिश, उसमें मैंने एक खातून का, आई थिंक सालेहा भट्टी इज हर नेम, तो उसने बड़ा प्रेज किया है चाणक्य को एक मैगजीन में, उसका मैंने वो रेफरेंस दिया कि चाणक्य के जो प्रिंसिपल्स थे मैनेजमेंट के वो आज भी वैलिड हैं। तो ये नहीं है कि हर बंदा उनसे नफरत करता है, लेकिन उर्दू अखबारात अनफॉर्चुनेटली ऐसा इमेज देते हैं, ऐसा एक इमेज प्रोजेक्ट करते हैं कि चाणक्य वाज इवल इनकार्नेट एंड इंडिया इज अ फॉलोअर ऑफ हिज डीवियस पॉलिसीज, इवल पॉलिसीज, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। जी जी जी, नहीं नहीं बिल्कुल, वो अच्छी बात है कि आपने ये, जी मिश्रा जी मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं बस कि मुझे नहीं पता था शकील साहब, ये पहली बार पता लगा, पहली बार तो मैं ये कभी सोचती ही नहीं थी कि पाकिस्तान में चाणक्य को भी जानते होंगे, सच्चाई तो ये है क्योंकि वहां टेक्स्ट में ये चीजें होती ही नहीं है, पर आपने उनके दोनों पहलू बताए, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और हिंदुस्तान में बहुत से स्कॉलर्स हुए, आई डोंट नो आपको ये भी नहीं पता होगा कि जो सर्जरी के पितामह है, जो सर्जरी जो आज हम करते हैं, ये भारत के ही ऋषि सुश्रुत थे, जो अमरीका की यूनिवर्सिटी में उनका स्टेचू लगा हुआ है। हमारे आधे भारतीयों को भी ये बात नहीं पता है कि जो मेडिकल में ऑपरेशन स्टार्ट हुए ये भारत से ही शुरू हुए थे। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि जो ना तो उनमें डाली जाती है ना लोगों को बताया जाता है, तो वो अपने ऊपर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कैसे करें? अब आप देखिए कि हड़प्पा और अगर आप तक्षशिला की बात करें, कितना गौरवशाली थिंग्स है पाकिस्तान के पास, वो चाहे तो कितना कुछ ले सकता है इस चीज से। भारतीय इसलिए थोड़ी ना वहां आना चाहेंगे कि नहीं नहीं ये तो हमें चाहिए, वो उस चीज को देखना चाहेंगे कि चाणक्य कहाँ पढ़ाते थे, वो तक्षशिला थी, दुनिया भर के स्कॉलर्स किस जगह पे पढ़ने आते थे, वो कैसी दीवारें थी, उन ईंटों को छूना चाहेंगे। तो ये एक प्यार होता है अपने इतिहास से जुड़ाव महसूस करने का। शकील साहब जी, मिश्रा जी आपके पॉइंट के साथ हम प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। जी आप क्या कहना चाहते जी बताइए। मैं शकील जी से ये बोल रहा था कि जो वहाँ की इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है उनको लेकर के कभी आप इसी तरीके से प्रोग्राम करिए, स्पेशली चाणक्य के ऊपर। हम डिटेल में वहां पे बताएंगे कि चाणक्य हाउ ही वाज यूजफुल फॉर द कंट्री, फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर सिविलाइजेशन, एंड इवन टुडे हिज प्रिंसिपल, हिज आइडियोलॉजी, हिज टैक्टिस, स्ट्रेटजी, हाउ इट मे बी यूजफुल फॉर all of the human being, for any country, whether it is Pakistan or India. चाणक्य ने काम केवल humanity के लिए किया था, और humanity के रास्ते में एक subject को, एक प्रजा को, एक state को कैसे prosper किया जाए, उस रास्ते में जो भी आया उसने उसको हटाया tactfully. चाणक्य ने कोई willfully किसी का mass care करने के लिए या किसी एक उससे प्रेरित होकर के कि जी इनको मिटा दो, पूरे धरती से इनका नामो निशान नहीं रहे, चाणक्य की philosophy ऐसी कभी भी नहीं। उसके इकोनॉमिक पॉइंट, उसने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं टैक्सेशन के, उसने जो प्रिंसिपल दिए हैं इकोनॉमिक, जो है आपकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए,